हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीप पटेल है और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को डीमार्ट के बारे में कुछ अनसुनी बातें बताने वाला हूँ जिसे आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, रिटेल चैन डीमार्ट के 66 वर्षीय फाउंडर श्री राधा किशन दमानी आज एक प्रसिद्ध निवेशक और शेयर होल्डर है। इससे पहले वो बाजार में एक महान उद्यमी बन गए थे। डीमार्ट की भव्य सफलता की कहानी का पूरा श्रेय दमानी को जाता है। नंबर टू, राधा किशन दमानी ने स्नातक के प्रथम वर्ष के बाद में उन्होंने कॉमर्स की डिग्री छोड़ दी थी और पढ़ाई छोड़ने के बाद वो पहली बार अपने पिता के बॉल बेयरिंग व्यवसाय में शामिल हुए। बाद में उन्होंने 32 साल की उम्र में शेयरों में निवेश करना शुरू कर दिया था। इसके बाद वह 90s के दशक के सबसे बड़े शेयर निवेशकों में से एक बन गए थे और आज की तारीख में राधा किशन दमानी राकेश झुनझुनवाला को बेस्ट मेंटर ऑफ ऑल टाइम मानते हैं। नंबर थ्री, आज डीमार्ट की वैल्यू लगभग 40,000 करोड़ रुपए है, जो कि एक ही बाजार में अपने दो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स फ्यूचर रिटेल और आदित्य बिरला फैशन के संयुक्त बाजार कैपिटलाइजेशन से भी ज्यादा है। नंबर फोर, साल 1990 में इंडिया रिटेल व्यापार में वास्तविकता से बहुत दूर था, तो उससे जीतने की दृढ़ इच्छा के साथ राधा किशन दमानी ने इस बाजार में प्रवेश करने का फैसला लिया और उन्होंने अचानक 6 साल के लिए शेयर बाजार को छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने अपने दामोदर मॉल के साथ नवी मुंबई और नेरुल में अपना बाजार फ्रेंचाइजी के लिए 5,000 स्क्वायर फीट में जमीन ली और जल्दी कई आउटलेट भी खोले। 2 साल के बाद आखिरकार डीमार्ट की स्थापना की और अपना बाजार को भी संभाला। नंबर फाइव, डीमार्ट की स्थापना राधा किशन दमानी द्वारा साल 2002 में उस समय की गई थी जब उन्होंने बाजार में अपने लाखों कमाए थे। राधा किशन दमानी डीमार्ट की स्थापना से पहले ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक बड़ा नाम था। नंबर सिक्स, डीमार्ट के लिए दमानी ने ऐसी रणनीतियों को अपनाया था जो भारतीय रिटेल बाजार के लिए सबसे यूनिक थी। राधा किशन दमानी ने डीमार्ट के शुरुआती दिनों में कई स्टोर किराए पर दे दिए। बाद में डीमार्ट ने अपने खुद के स्टोर इंडिया के विभिन्न क्षेत्रों में खोले और ऐसा लगता है कि दमानी की इस रणनीति ने डीमार्ट के लिए काम किया और उस दिन से कभी भी एक स्टोर बंद नहीं करना पड़ा है। जबकि समय समय के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और कई कैटेगरी में बाजार में नए खिलाड़ी आ रहे थे, जबकि डीमार्ट ने अपने फूड और ग्रोसरी के कारोबार पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। इसके अलावा जब अन्य सुपरमार्केट चेन अपनी ज्यादा बिक्री के लिए अपनी निजी ब्रांड लॉन्च कर रहे थे, जबकि डीमार्ट अभी भी अपने किराने के लिए केवल थर्ड पार्टी प्रोडक्ट का स्टॉक करता था। नंबर सेवन, डीमार्ट की शेयर होल्डिंग कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड आज सार्वजनिक हो गई है और इससे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उसे शानदार एंट्री मिली क्योंकि इसके शेयर 102.14% प्रीमियम पर सूचीबद्ध है। नंबर एट, शुरुआत से ही डीमार्ट एक ऐसी डिस्काउंट प्रदान करने वाली आम जनता के बीच बाजार में एक छवि बनाना चाहता है जो सभी बड़े बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट देता है। अभी के लोग डीमार्ट में आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि डीमार्ट में वो सभी चीजें मिलेगी जो एक छत के नीचे रहने के लिए चाहिए। नंबर नाइन, डीमार्ट के स्टोर्स 3 फॉर्मेट्स में कारोबार करते हैं, जिसमें एक 7,000 से 10,000 स्क्वायर फीट, दूसरे 30,000 से 35,000 स्क्वायर फीट और तीसरे 1,00,000 से ज्यादा स्क्वायर फीट में फैले हुए हैं। नंबर 10, डीमार्ट की रियल टाइम स्ट्रेटेजी ये है कि वो मिडिल इनकम हाउस होल्ड को टारगेट करते हैं, इसलिए उनके स्टोर्स मॉल में नहीं बल्कि रेसिडेंशियल एरिया के आसपास होते हैं। डीमार्ट की सफलता का मुख्य कारण वो 3 चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, 1 सभी ग्राहकों, 2 विक्रेताओं और 3 उनके कर्मचारी। नंबर 11, डीमार्ट का ग्रोथ इतना तेजी से हुआ है कि फ्यूचर ग्रुप के सीईओ किशोर बियानी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि डीमार्ट के एक सफल बाजार के बिजनेस मॉडल से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। नंबर 12, डीमार्ट का उद्देश्य न केवल अन्य कॉम्पिटिटर्स की तरह सिर्फ ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करना है बल्कि ग्राहकों को सामान देते समय वैल्यू फॉर मनी का भी ध्यान रखना है। नंबर 13, आज राधा किशन दमानी की नेटवर्थ लगभग 1,14,000 करोड़ रुपए है। राधा किशन दमानी इंडिया के चौथे और दुनिया के 115वें सबसे अमीर आदमी है। दमानी कम प्रोफाइल रखते हैं जो उनके काम के प्रति पूर्ण डेडिकेशन का परिचय देता है और उन्होंने शायद ही किसी अखबार या चैनल को इंटरव्यू दिया होगा। नंबर 14,
रिटेल व्यापार में क्रेडिट और डिलेड पेमेंट्स जोखिम भरा है, क्योंकि वो बाजार में आपकी वैल्यू को दर्शाता है। राधा किशन दमानी अपने सप्लायर्स को समय से पहले ही भुगतान कर देते हैं। नंबर 15, दमानी को पता था कि उनके एंटरप्राइज के पीछे उनका लक्ष्य कम कीमतों पर ग्राहक को चीजों का सप्लाई करना था, और उन्होंने ऐसा ही किया। उनके स्टोर्स में साधारण सजावट और लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ही है। दमानी को पता है कि लोग सिर्फ एक चीज के लिए ही आते हैं, और वो है कम कीमत। उनकी ये विशेषता उनके प्रेजेंस को भी दर्शाता है, क्योंकि वो केवल सफेद शर्ट और सफेद पतलून ही पहनते हैं, जिसके लिए उन्हें मिस्टर व्हाइट एंड व्हाइट कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी डीमार्ट से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।